एक बात बताता हूँ कि जो इस हक को रोकेगा वो सरकार भी जाएगा। हमारा जो सबसे प्रथम मुद्दा है वो जाति जनगणना का मुद्दा है। दूसरा मांग हम लोग का है बैलेट पेपर से चुनाव हो। तो जाति जनगणना एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू सारे कार्य का निष्पादन हो सकता है। देखिए पिछले मीटिंग का इतिहास है कि पूरे 16-17 प्रदेश से लोग आए थे और इस बार भी हम लोग पिछले 3 महीने से लगे हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, 1-to-1 कार्ड के माध्यम से, व्हाट्सएप या जो फेसबुक जितने भी ट्विटर हैंडल हैं उन सब के माध्यम से। कभी कभी जब कोई काम नहीं करना होता उसका जवाब कोई नहीं बनता, जवाब दे दें तो हमें अच्छा लगता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनहित आवाज, देश की आवाज, बुलंद आवाज। और इस वक्त मैं साक्षी झा मौजूद हूँ रामलीला मैदान में, जो बहुजन समाज द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बृषकित वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा। आप पीछे देख भी सकते हैं विजुअल्स में कि किस तरह से जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। 23 और 24 जुलाई यानी कि कल रविवार और अगले दिन सोमवार को जो है 2 दिन का ये कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले सर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आपके पूरे टीम का? मैं अनिल कुमार पटेल हूँ और ऐसे मैं नालंदा बिहार से हूँ और दिल्ली में पिछले 25-30 साल से रह रहा हूँ। जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग 2 दिन की, क्या सब कुछ इसमें मुद्दे रख रहे हैं आप? देखिए मुद्दे हमारे कोई नए नहीं हैं, मुद्दे हमारे सब पुराने हैं। ऑलरेडी हमने 2 प्रोग्राम इसमें मैंने कर लिया, पिछले दिसंबर में किया था और उसके पहले भी कर चुका हूँ। तो हमारे सारे एज इट इज मुद्दे हैं, कोई नए मुद्दे नहीं हैं। हमारा जो सबसे प्रथम मुद्दा है वो जाति जनगणना का मुद्दा है। जाति जनगणना पूरे देश में होना चाहिए और जितने भी हमारे लोग आ रहे हैं वो सबका एक ही मांग है, जाति जनगणना। दूसरा मांग हम लोग का है बैलेट पेपर से चुनाव हो। तीसरा मांग है कि न्यायिक प्रक्रिया जो हमारा है, जो न्यायपालिका है, उसके अंदर OBC SC ST का कोई भागीदारी नहीं है। उसमें भागीदारी मतलब कि कॉलेजियम सिस्टम जो है उसको हटा करके आम लोगों को लिए खोला जाए रास्ता, जिसमें लोग जो अभी सोचते हैं ऐसा होता भी है कि पक्षपात करते हैं। कुछ सामान्य वर्ग के लोग वहाँ पे बैठे हैं, कॉलेजियम सिस्टम से जजेज बनते हैं। और जब न्यायिक प्रक्रिया की बात होती है, जब कोई ऐसे बहुसंख्यक समाज के हित की बात होती है, तो जो भी न्याय प्रक्रिया जैसे भी उन लोग देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है। तो उस प्रश्न पे है जो कि हमारे बहुसंख्यक समाज के लोग रहेंगे तो प्रश्न नहीं उठेगा। कल तमाम कितने लोग यहाँ पे मौजूद हो रहे हैं? देखिए पिछले मीटिंग का इतिहास है कि पूरे 16-17 प्रदेश से लोग आए थे और इस बार भी हम लोग पिछले 3 महीने से लगे हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, 1-to-1 कार्ड के माध्यम से, व्हाट्सएप या जो फेसबुक जितने भी ट्विटर हैंडल हैं उन सब के माध्यम से, और आपके चैनल जो सब सर्वोपरि कार्य कर रहा है जिसके काफ़ी सब्सक्राइबर भी हैं। तो हमारे पूरे देश में इस चीज़ का चर्चा जा रहा है और लोग आने की संभावना व्यक्त की जाती है कि पूरे राज्य से, जो हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं उन सब के जो समाज सेवी लोग, समाज के संगठन चलाते हैं वो लोग, बुद्धिजीवी लोग या रिटायर जजेज हैं, रिटायर ब्यूरोक्रेट हैं, वो समस्त लोग हमारे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। और ये नज़ारा कल आप देख भी लेंगे कि कितने लोग रहते हैं। सर जैसे कि आप लोग जितने भी आप लोग अपने मुद्दे बताएं कि जो पहले के भी आप लोग के मुद्दे रहे हैं, जैसे कि जनगणना का आप बता रहे थे, तो सरकार भी तो लगातार समाज के प्रति काम कर रही है, तो आपको लगता नहीं है कि वो एकजुट कर रही है? सरकार अगर कार्य कर रही है तो हम तो मांग कर रहे हैं ना भाई। एक सरकार जो सबसे, कोई भी सरकार हो, मैं कोई सरकार का वफादारी करने के लिए नहीं हूँ, कोई भी सरकार आती है तो कहती है कि जी एक प्रश्न बना देता कि SC ST वाले को लगा देते हैं जी कि आपका OBC वाला हक खा रहा है, OBC वाला को लगता है कि जनरल कैटेगरी के हक खा रहे हैं। तो जाति जनगणना एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू सारे कार्य का निष्पादन हो सकता है। सरकार कोई भी बने किसी तरह का उंगली नहीं उठ सकता है एक जातिगत जनगणना से मात्र। लेकिन कहीं ना कहीं इसको रोकने का जो प्रयास किया जाता है तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं उनको कहीं दर्द होता है कि अगर हम इनको दे देंगे राइट। जैसे आपने पहले देखा होगा कई सारे बहुसंख्यक समाज के लोगों ने जब आवाज़ उठाया तो कुछ काम भी हुए, लेकिन काम होने के साथ साथ कई नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको कुर्बानी भी देना पड़ा, उनका कुर्सी भी गई और उनको जो मंत्रालय मिलना था उनको मंत्रालय भी अब तक नहीं मिला क्योंकि वो OBC के लिए बात करते थे, SC ST के लिए बात करते थे। तो मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि जितने भी कमेटी में
सत्ता पक्ष के अंदर हैं वो समस्त कमेटी जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के तरफ से बने हैं, तो उनको ये आवाज़ उठाना चाहिए, सांसद में उठाना चाहिए, अपने मुखिया को बोलना चाहिए जो इसको संचालन कर रहे हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत है। और एक बात बताता हूँ कि जो इस हक को रोकेगा वो सरकार भी जाएगा, कोई भी सरकार हो, किसी प्रदेश का सरकार हो या किसी देश का सरकार हो, खास करके भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, ये अयन प्रदेश भारत के जो हैं जिला हैं वो अगर इस चीज़ को रोकेंगे तो उसको है जो कि रुकावट में बाधा देंगे, उनको सरकार जाएगी। लोग अब सचेत हो गया, आप लोग देश के सरकार के एजेंडे के खिलाफ जा रहे हैं, आप लोग को ज़रा सा भी मन में भय नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि देश के जो हम कार्य कर रही सरकार उसके खिलाफ है, अगर उसके खिलाफ होते तो शायद हम जेल में होते, हमारे ऊपर भी धाराएं लगती, सारे चीज़ हो सकता कि अगर हमारी मांग के ऊपर कल लोग ज़्यादा जुट जाएंगे और इसको हो सकता है प्रदर्शन के रूप में ले लें तो हो सकता है कि ये लोग हमारे ऊपर भी खिलाफ किसी न किसी तरह के अटकलें लगाएंगे या हमें फंसाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि आज के देश में भारतीय जनता पार्टी सुलझी हुई सरकार है, काफी उसमें इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक सुलझी हुई सरकार है, तो कहीं ना कहीं देश के जो प्रधानमंत्री वो भी तो ओबीसी उससे आते हैं, तो वो क्यों नहीं कुछ कार्य कर? नहीं, मैं ओबीसी के आते हैं लेकिन वो वोट के समय आते हैं। अगर ओबीसी के आते हैं तो हमने तो अपने संगठन के माध्यम से हमने पत्र भी लिखा, सारे सांसदों को मिनिस्टर को लिखा कि आप जाति जनगणना कराइए, और कई सारे सांसद ने सांसद भवन राय दोनों सदनों में उठाया, कई सांसद हमारे संपर्क में। इस पे रिवर्ट जवाब आया, उन लोगों ने कुछ आपको जवाब दिया इस चीज पे, जैसे आपने कहा कि हमने सांसद तक में बात करी है? देखिए, कभी कभी जब कोई काम नहीं करना होता उसका जवाब कोई नहीं बनता, जवाब दे दें तो हमें अच्छा लगता जी। तो तमाम जो लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे थे, सुन भी रहे थे, कहीं ना कहीं जो कल कार्यक्रम होना है यानी कि 23 से 24 जुलाई को, कोई से भी राज्य से आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे रामलीला मैदान में आप एकत्रित हो इन लोगों के साथ, जो बहुजन समाज कहीं ना कहीं जाति धर्म के साथ कहीं ना कहीं इनके साथ खिलवाड़ भी किया जाता है, तो आप लोग इनके इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपकी क्या राय विचार है अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। कैमरा पर्सन खुशबू के साथ मैं साक्षी जाल जल्द हाजिर होंगी।